सात महाद्वीप हैं दुनिया के अंदर, उनको फतेह करना है, जिसमें से कि मैं तीन महाद्वीपों को फतेह कर चुका हूँ। अफ्रीका खंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को, यूरोप खंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है और एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद और भी जो खंड बसते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सारे जो खंड हैं उन पर मेरा फोकस है। अभी चार कॉन्टिनेंट्स बचे हुए हैं, उस पर मेरा फोकस है और मैं जल्दी फतेह करके आप लोगों के बीच में जरूर आऊँगा। नमस्कार, मैं ओम देव। आज हम हैं ग्रेटर नोएडा में सिटी पार्क में। यहाँ पर मीर बोध जी की जयंती मनाई जा रही है, जो गुजर सम्राट हुए हैं, जिन्होंने करीब 50 साल तक हमारे देश में राज किया था। आइए बात करते हैं जो युवा गुजर हैं जिन्होंने एवरेस्ट चोटी फतेह की है, वो भी इस प्रोग्राम में आज आए हैं, उन्होंने भी यहाँ पे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। सागर जी नमस्ते। जी नमस्कार सर। यहाँ पे आज ये मीर बोध जयंती मनाई जा रही है, जो गुजर सम्राट हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश में 836 से लेकर के 890 तक राज किया था, बहुत बड़ा उनका साम्राज्य था, कैसा लग रहा है आज आपको? देखिए, ये एक मैसेज देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये जो अवसर है हमारे लिए बहुत गौरवान्वित करने वाले वो है, टाइम है। तो मैं ये चाहूँगा कि देखिए, जिस तरीके से आज ये प्रोग्राम हो रहा है, इसी तरीके से हर जगह, हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में इस प्रोग्राम को, इस अवसर को मनाया जाए। और जैसे कि आज मनाया भी जा रहा है तो बहुत खुशी होती है जब हम ऐसे जगह कहीं पार्टिसिपेंट करते हैं, बहुत खुशी होती है। जी सागर जी, आज यहाँ आप यहाँ आए हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर गुजर समाज के, दिल्ली से लेकर धनकौड़ तक पूरी गुजर बेल्ट मानी जाती है ये आपको क्या नहीं लगता कि जो गुजर सम्राट रहे हैं मीर बोध जी, उनका इतिहास कहीं ना कहीं दबा दिया गया था? जी देखिए, कुछ ना कुछ चीज़ें अब पास्ट की हैं, वो कुछ राजनीति की वजह से भी आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं इफेक्ट आता ही है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अवेयरनेस है हमारे समाज में, लेकिन अभी और भी ज़्यादा है, चाहिए हम लोगों की और अवेयर हों अपने समाज के लिए, अपने जनरेशन के लिए, ताकि हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, तभी अब हमारा समाज आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में पैदा होगा। जी सागर जी, ये जो राजा रहे हैं सम्राट मीर बोध जी, उन्होंने 839 से लगभग ईस्वी से लेकर के उनका काफ़ी साम्राज्य रहा था हमारे देश में। उसके बाद हमारे देश में मुगल आए, विदेशी आक्रमणकारी आए, हमें पढ़ाया गया था कि अकबर महान था, मुगल काल को 10 में पढ़ाया गया है, इतिहास उनका रहा है, यहाँ पर लोग उनको पढ़ते रहे हैं। लेकिन मीर बोध, राजा मीर बोध सम्राट को यहाँ पर ऐसी क्या दिक्कतें रहीं जो उनको यहाँ पे नहीं पढ़ाया गया हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, उनका इतिहास क्यों दबा दिया गया? कुछ चीज़ें देखिए, मैंने अभी आपको बताया, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हमारे हाथ में नहीं होती, तब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते कहीं भी, चाहे हमारे समाज के कितने भी अच्छे जो एक अच्छे पद पर रहें, चाहे राजा हों, चाहे महाराजा हों, कोई भी हों, जब तक हम एकजुट होकर किसी को आगे बढ़ाने की दिशा में काम नहीं करेंगे तब तक कुछ संभव नहीं है। आपको नहीं लगता कि जो इतिहासकार रहे हैं हमारे देश में, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके इतिहास को दबाने का काम किया है? जी बिल्कुल, मुझे लगता भी है और मैं चाहूँगा कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो खराब, ठीक नहीं है, उस चीज़ को उस ठीक दिशा में चलें तभी सही रहेगा। अच्छा सर, आप यहाँ जो दिल्ली NCR है, जो नोएडा NCR है, वहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और जो यहाँ की जो गुजर बेल्ट है दिल्ली से लेकर धनकौड़ तक, ये NCR के गुजर हैं, काफ़ी मतलब आर्थिक रूप से मजबूत हैं। लेकिन जो राजस्थान के गुजर हैं, जिस तरह से वो आरक्षण के लिए मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ के गुजर जो हैं आरक्षण के लिए, वो सरकारी नौकरी में जाने के लिए इतना प्रयास अभी तक नहीं कर पाए? जी देखिए, लगता है मुझे कहीं ना कहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही कि अपने दिल्ली NCR के जितने भी गुजर हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं सक्षम है, हर तरीके से मजबूत है। और हमें, लेकिन सर वो जो मेनस्ट्रीम की जो जॉब होती है, जो सरकारी जो उच्च वर्ग उच्च पद होते हैं सरकारी जॉब में, सेक्रेटरी जो जॉब होती है, वहाँ तक नोच नहीं पहुँच पाए तक गुजर? कहीं ना कहीं देखिए, एक हमारे जो पैरोकार की कहीं ना कहीं कमी रही है हर चीज़ में, मुझे ऐसा लगता है। कहीं आप राजनीतिक माध्यम से देख लीजिए, चाहे आप एक एजुकेशन फील्ड में देख लीजिए, एक पैरोकार कहीं अच्छी एक भूमिका निभाता है। सपोर्ट नहीं मिल पाई है गुजर बरादरी को कहीं ना कहीं, वो मुझे फील है और सबको ही पता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ की कमी है। अच्छा सागर जी, आप एवरेस्ट चोटी फतेह कर चुके हैं, आपका और अपने प्लानिंग क्या है भविष्य को लेकर? देखिए भविष्य को लेकर मेरा जो प्लानिंग है, मेरा 7 खंड जो अपने 7 महाद्वीप हैं दुनिया के अंदर, उनको फतेह करना है, जिसमें से कि मैं 3 महाद्वीपों को फतेह कर चुका हूँ। अफ्रीका खंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को, यूरोप खंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है और एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद और भी जो खंड बसते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सारे जो खंड हैं उन पर मेरा फोकस है। अभी चार कॉन्टिनेंट्स बचे हुए हैं, उस पर मेरा फोकस है और मैं जल्दी फतेह करके आप लोगों के बीच में जरूर आऊँगा। अच्छा सागर जी, आप जो हमारी जो यंग जनरेशन है, जो गुजर बरादरी है,
उनके लिए आपका क्या संदेश देना चाहोगे आप उनको? बिल्कुल, देखिए मैं अभी मंच से ही मैं यही बात ही बोल रहा था कि अपने जो हमारे समाज के जो अच्छे खासे मतलब नाम रखते हैं, अच्छी दिशा में ले जाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, जो हमारे समाज में इतना पोटेंशियल है, हमारी जनरेशन में इतनी पोटेंशियल है, वो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं मुझे लगता है सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हमें काम ये करना चाहिए कि उनको आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए हम लोगों को, ना कि सम्मान आप वो बन गए, कुछ कर लिया अपनी दिशा में, कुछ अपने अपने जो क्षेत्र में कहीं ना कहीं उन्होंने कोई अच्छा काम किया, उनका आप सम्मानित करके बस भूल जाते हैं, ये कमी है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए कि जब वो कोई बढ़ना चाहता है आगे, उसको उसके बैकबोन बन के काम करना, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। सपोर्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल। धन्यवाद सागर कसाना जी, थैंक यू।